हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नारियल गुलकंद के लड्डू। ये एक ऐसी रेसिपी है जो आप कम इंग्रेडिएंट में बना सकते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होती है, जैसे कि वीडियो में आपको दिख रहा है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए और कुछ भी मीठा ना हो तो आप इस रेसिपी को इंस्टेंट बना सकते हैं। ये जितना दिखने में टेस्टी है उतना ये खाने में भी टेस्टी है। तो चलिए अब देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं और इसमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है। यह मैंने नेस्ले का मिल्क मेड लिया है, इसे कंडेंस मिल्क भी कहते हैं, ये किसी भी शॉप पर मिल जाता है। ये 2 चम्मच गुलकंद है जो पतंजलि की शॉप पर मिल जाता है। 2 चम्मच देसी घी लिया है, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर लिया है, थोड़े से मैंने काजू बादाम लिए हैं लड्डू को गार्निशिंग करने के लिए। गाइस, यहाँ पर मैंने ये कलर लिया है येलो रंग का, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं जो किसी भी शॉप पर इजीली मिल जाता है। ये 4-5 इलायची को मैंने क्रश कर लिया है। ये थोड़ी सी मैंने टूटी फ्रूटी ली हैं गार्निशिंग के लिए और ये 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट है। अब हम यहाँ पर एक खाली बॉल लेकर उसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। गाइस, इसको अच्छे से मैश करें जब तक ये दोनों मिक्सचर आपस में मिल ना जाए अच्छे से। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो या शेयर ना किया हो, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जो हमने कटोरी में कलर घोल के रखा था वो इसमें ऐड कर दें और अच्छे से मिला लें। इन सबको अच्छे से मिलाइए जब तक इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से ना आ जाए। गाइस, अब हम गुलकंद में जो हमने सौंफ का पाउडर रखा था और इलायची को जो हमने क्रश करके रखा था वो इस गुलकंद में ऐड करना है। हमें यहाँ पर सौंफ का जो पाउडर है वो 1/2 चम्मच लेना है और जो हमने 4-5 इलायची को क्रश किया था वो इसमें ऐड करना है। गाइस, ये ऐड करने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये सब मिलाने के बाद अब हमें ये देखना है कि हमें लड्डू कैसे बनाने। चलिए गाइस, लड्डू बनाते हैं। गाइस, अब अपने हाथों में थोड़ा सा देसी घी लगाकर इस बैटर को हाथ में लें और इसको गोल करें। गोल करने के बाद जैसे हम टिक्की बनाते हैं इसी वैसा ही शेप दें। शेप देने के बाद गाइस, हमें इसमें गुलकंद भरना है। जितना आपको पसंद हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें गुलकंद भर सकते हैं। मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से गुलकंद भरा है ताकि कोई खाए तो बस खाता रह जाए। बस फिर से इसको एक बार गोल शेप देनी है अच्छे से, फिर इसको आप डेसिकेटेड कोकोनट में रोल कर सकते हैं जिससे ये गार्निश के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको गार्निश कर सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगे। मैंने इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी काजू और बादाम लगाए हैं, आपको जैसा अच्छा लगे आप इसमें लगा सकते हैं। ऐसे ही करके मैंने सारे लड्डुओं को रेडी कर लिया है। यहाँ पर मेरे सारे लड्डू बनके तैयार हैं। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सुंदर दिख रहे हैं। मुझे लगता है आपका खाने का भी मन कर रहा होगा, इसलिए आप इसे एक बार घर पे ट्राई करके ज़रूर देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। बाय बाय।